हाँ तो लगाओ और जोर से पूरी ताकत। झूठ बोल को इतना जोर से लाए। दो मिनट हो। हाँ लगा पूरी ताकत। हाँ लगा और जोर से। जोर से और जोर से। हाँ चल लगा पूरी ताकत। जा नहीं सकता अभी, तुझे जाने का हुक्म नहीं दिया, अभी नाला है होट, जल्दी ना तो पूरा मार। होट लगा पूरी ताकत, जल्दी उठ के जोर से। जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा कैसे जा सकता तू, झगड़ो उसको और दे से। हाँ लगा पूरी ताकत। कहां से लाए तू तुझे, शमशान से, कब्रस्तान से, कहां से आया था, जोर से बोल सबको सुने आना। क्या ला लगा पूरी ताकत, लगा जोर से, कहां से लाए थे तुझे, शमशान से, कब्रिस्तान से। जला उसके दोनों हाथों में आग, लगाओ तेज से। कहां से आया था तू, कहां से, कहां से बोलना तो पूरा जला दूंगा। जला उसको तेज से, लगा पूरी ताकत और जोर से, लगा और जोर से। हाँ जकड़ लो उसको और तेज से। क्या कर रहा इनके पूरे घर को परेशान कर रहा, पूरे घर को तबाह कर दिया हमने। क्या करा तो वही मचा दी इसके घर में। हाँ और क्या कर रहा था, और और क्या कर रहा है, और किस किस को परेशान करा था भाई मचाकर, किस किस को, किस को, क्या किया, क्या किया, इसके घर में तो वही मच गया। हाँ और उस घर में गाड़ा हुआ था। क्या गाड़ा हुआ था, क्या जादू का सामान, खजाना, क्या गड़ा हुआ है, क्या घर में है, क्या है उस गड्ढे में है, गड्ढे में क्या है, गड्ढे में है खजाना है, जादू का सामान है, करके गाड़ दिए हैं। अच्छा करनी कौटाल का सामान गाड़े, हमने नहीं गाड़ा। हाँ पहले से था। अच्छा वो जिसका घर था वो करती थी। अच्छा ये बच्ची वहाँ जाया करती थी और वहाँ सफाई करती थी, इसीलिए इसके ऊपर हमने। सही सही बोल, पूरे घर पे कौन जादू कर रहा था, वो उसके घर पे कौन कर रहा था, उसके घर पे जब से लिए कोई इसको इन लोग को देखने नहीं चाह रहा था। और खास करके उसका मकान मालिक उस घर पे। इसके घर पे, इसके घर पे पहले कुछ नहीं होता था, इसके घर पे पीर की बैठकी थी। हाँ उसपे कुछ नहीं होता था, जब से उस घर को नफाक किया इन लोगों ने, इन लोग के घर में तबाही मच गई। चकड़ के रखो उसको और तेज से, जल्दी जल्दी जवाब दे मेरे तो काट दूंगा। झगड़ो उसको और कैसे, हाँ लगा पूरी ताकत, लगा के जवाब दे जल्दी फटाफट। कहाँ से लाए थे तुझे, शमशान से, कब्रिस्तान से, कहाँ से लाए थे, इसके ऊपर भेजा गया। हाँ इसके ऊपर बचपन से किया गया था, इसकी रिश्तेदार ने इसको किया था। इसको ये तो मर जाती है, ये लड़की ये पहले ही मर जाती। जकड़ो उसको और तेज, जकड़ लो, लगा पूरी ताकत और जोर से। अच्छा तुझे किस गांव से लाए थे उठाकर, तुझे शमशान से उठाए थे, कब्रिस्तान से उठाए थे, गंदा चीज पे इसको किया गया था इस लड़की को। क्या था वो गंदा चीज, सामान। अच्छा कौन लिखा था, औरत नहीं आदमी ने, औरत थी, औरत थी, कौन होती हुई इसके रिश्ते की है, दूर की है, दूर की रिश्ते,
क्या नाम है उसका औरत का, वो मर गए, फिर भी क्या नाम था उसका, जल्दी में काटने लगा दूंगा दोनों हाथ। क्या था? जमनी। जोर से बोल ताकत लगा के। जमनी था उसका नाम। क्यों की थी उन्होंने इस पे जादू? इसका अच्छा, जमनी जामुनी के साथ में और कौन कौन मिले वाला था? और उसका ग्रुप वो अपने ग्रुप से करवाते। अच्छा, जादूगर हिंदू था मुसलमान था? हिंदू से करवाई थी। इसको बिस्तर पे भेज दी थी। बच्ची के मामा ने इसको ठीक किया। अच्छा, कितना पैसा दिए थे जादूगर को इस पर जादू चलाने के लिए? अच्छा, इसको बीमारी पर कौन डाल रहा है? इसके शैतान। हाँ, घर के शैतान। कितने टोटल तेरे साथ में? मैं बहुत सारे बीमारी पकड़ा डाल दिया। अच्छा, इसको खिलाए वाला भी है क्या? वो अंदर बैठ कर बीमारी लगा रहा है क्या इसको खिलाए वाला? पेट में बीमारी बना के डाल दिया। किस चीज में मिलाकर खिलाए थे? वो इसको नहीं खिलाई थी। हाँ, डायरेक्ट जादू चला दी, जादू के जरिए इसके पेट में डाल दी। अच्छा, ताकि ये बच्चे की माँ ना बने। अच्छा, इसके ससुराल की तरफ से और कोई जादू कर रहा है क्या? हाँ, इसके ननद के ऊपर भी है। ये जब जाती है तो उसी के घर में जुमरात के दिन जाती है। अच्छा, और उसके शैतान से इसका टच हो जाता है। ये जब भी जाती है उसे जुमरात को ही मिलती है उससे। तो उसके ननन पर क्या किया हुआ है? उसके ननन के ऊपर है जादू करे, जिसके ऊपर उस वो खुद तबाह रहती है। अच्छा, उसके ननन पर किसने जादू किया था? जादू नहीं किया, उसके ऊपर है जीनों की सवारी। ननन पर उसके वो इसको बहुत चाहती है। अच्छा, जब ये शादी होके गई थी ना तो इसको बहुत अच्छा होता था। हाँ, ये कौन है तुम्हारा? हाँ? मेरी खाला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनी। सोनी, सोनी के ऊपर क्या जादू किया हुआ है? रिश्ते क्यों नहीं हो रहे? परेशानियों में क्यों मुब्तला है वो? परिवार इसकी शादी नहीं होने देती। हाँ, बोलती है इसको ये ऐसे ही रहेगी। क्यों रहेगी ऐसे? इसे बहुत परेशान है ये लड़की। और उस पर जादू कौन कर रहा है? सोनी पर सही सही बता। उसकी अपनी चच्ची। सही बोल रहा, झूठ बोल रहा? और उसके बास का बसेड़ा है उसके ऊपर। अच्छा, उसके घर का पुराना बास का बसेड़ा है उसके। और क्या क्या परेशान कर रहे थे सोनी को? इन लोग से पुरानी दुश्मनी निभा रही है, इसकी शादी नहीं होने दे रही है। कौन नहीं होने दे रही उसकी शादी? नाम बता, कौन नहीं होने दे रही? इसकी रिश्तेदार है अपनी चच्ची। नाम दूंगा उसका कुछ? मैं नहीं दूंगा नाम। मैं बोलना पड़ेगा तो पूरा चला दूंगा मैं। हाँ बता जल्दी, पूरी ताकत लगा के बता नाम कौन है। तो वो चच्ची का नाम है मुशरिकून। क्या है? मुशरिकीन। क्या, जोर से बोल, सबको सुने आना। मैं बता दी, नहीं तो पूरा जला दूंगा मैं। जल्दी बता, बता और तेजी से, कौन है वो? कुछ नहीं जानती। कौन है? इसकी चच्ची। क्या नाम है उसका? मुशरिकून। मुशरिकून। अच्छा, उसके साथ और कौन कौन मिले वाला है बुढ़िया के? वो बुढ़िया कहीं दूसरे जगह से जाके सीखती है। अच्छा, और इन लोग के ऊपर कार्रवाई करती है। अच्छा, क्या बोलकर करती है? इन लोग अच्छे नहीं देखने चाहते। और तबाही देखना चाहते, ताकि लोग बर्बाद रहे। सोनी के पीछे शैतान लगा है क्या? रात में आकर उसको परेशान कर रहा, सोने नहीं दे रहा। तो वो सब उन्हीं लोगों का बसेरा है, और बांस का बसेरा है इसके। अच्छा, उसको कब मारने वाले? कितना टाइम बचा था उसको मारने के लिए? 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, 10 महीने, कितना वक्त? और कैसा मारने वाले थे उसको सोनी को? एक्सीडेंट करा के, सुसाइड करा के, दम उठा के, कैसा? ये तो गाड़ी से भी एक्सीडेंट। अच्छा, उसको एक्सीडेंट भी करे थे तुम लोगों ने? कैसा कराए थे? गाड़ी से गिर गए। कौन गिराया था? जिन्नात ने, शैतान ने?
इसके शैतान है। अच्छा, इसके ऊपर जबरदस्त खबीस है। अच्छा, वो जो भागता नहीं है छुप जाता है। हाँ, वो आड़ में छुप जाता है, जहाँ भी जाती है वो भाग जाता है। आप उसको जकड़िए और उससे हटा दीजिए। ठीक है, वो तो हम जकड़ के उसको जला के राख करेंगे। इनका क्या नाम है? ये रुखसाना भी को क्या कैसा अफसाना भी खानों को क्या बीमारी लगा रहे थे? इसकी बीमारी नहीं, ऐसे नहीं लगाए थे। हाँ, इसके घर बन रहा था, हमने एक बोरे सीमेंट मांगे थे। हाँ, इसके पापा ने नहीं दिए। हाँ, इसके पापा बोले मेरे पास नहीं है, अभी घर ढलाई करना, इसलिए इसके बच्चे को कर्म नहीं किए। हाँ, ये शीशा के ब्रिज लेकर के अपनी चच्ची के यहाँ जा रही थी हिस्सा बांटने के लिए, और वही मेरे दरवाजे पे गिरी। उसी टाइम से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, फिर बीमार रहने लगी। धीरे धीरे हमने इससे बीमार कर दिया। जब ये बेड पे चली गई, दवा नहीं सेट किया, तब इसके परिवार इसको दिखाने शुरू किए। इसके मामा अचानक पहुंचे, वही इसको ठीक किए, वरना ये बच्ची हाथ नहीं लगती, ये चली जाती। पर हमने बचाया, हम मदरसा से इसके साथ। जब जब ये परेशान होती थी। अच्छा, आप उसको कैसा मारने वाले थे? ये सब चीज़ अमास में पुन्नम में बीमारी डाल के सुसाइड करा के कैसा मारने वाले थे? अफसाना, आप क्या नाम है? अफसाना। हाँ, अफसाना को। हाँ, इसका जो लड़की का मेन है वो चीज बंद है, आखिर क्यों लड़की उसको पूछे क्यों वैसा बोल? इसके शरीर में बीमारी डाल दिया था। अच्छा, बीमारी नहीं है, पॉलिक का ऑपरेशन करवाया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, फिर इसके शरीर में पॉलिक हो गया, अब आप ठीक कर सकते। अच्छा, इसे घर में किरकिरे झगड़े भी लगा रहा था तू? और घर में इसके परिवार खुद घर में किरकिरे कर रहे हैं, और घर के लोग अब बदमाश हो गए हैं, खैर बरकत भी उड़ा दिया, सब खत्म हो गया इसके। जब तक ये घर में थी एक उंगली में कुछ नहीं होता था, ये घर से विदा होके चली गई, फिर भी 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। ये आती जाती रहती थी, हम लोगों ने हिफाजत करते रहते। अब उस घर को इन लोगों ने बर्बाद तबाह कर दिया, साफ सफाई नहीं रखते उस रूम को, इसीलिए लोग के घर में तबाही आ, सब चीज की आमद बंद हो गई। कभी उस घर में कोई चीज की कमी नहीं होती थी। राशिद को क्या करे? राशिद को भी जादू टोना कर रहे क्या? इसके परिवार इसके घर को पूरे घर को तबाह कर दिए, पूरे परिवार पे जादू चलाई है। दुश्मनी क्या थी ऐसी? इसके अब्बू से दुश्मनी थी। किस बात की? इसने दुश्मन आगे छिड़ी थी कि उसकी बहन से शादी नहीं की इसके पापा। किसके बहन से? किसके? इसकी चच्ची की बहन से। अच्छा, उससे उसकी बहन से शादी नहीं की बोल के चिढ़कर जादू कर रही, और अभी तक वो दुश्मन आगे नहीं। अरे इतना बेहतर बोले, इसी तो बोले थोड़ा। और आप पहले उसके तबीयत को हटा दीजिए, खत्म कराएंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सारे शैतानों को ना लाया को जंजीर डाल के बंद, आज रात 12 बजे के बाद से बहुत लोग परेशान कर रही है सबको। आई है परेशान होके आई है, इसको भी ठीक करना होगा आपको। वो तो सबको कराएंगे हम राइट। बाल बच्चे क्यों नहीं होते? इसको सब कुछ क्यों शैतान बंद करती है? तू कौन है बोल? मैं हसीना। कौन है? हसीना है तो इसका पीछे जब से बीमारी था तो उसको हटाने का क्यों नहीं आपको बोलिए? इन लोग बयान देगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप हसीना इनके शोर से लड़ाई होता ही नहीं। हसीना कौन है? अरे जिन्नात में से बात कर रही है, आप थोड़ा सही है, कभी से भी यही है बदमाश है, पकड़िए इसको। ये कुछ जिन्नात नहीं है, जो अच्छा चीज है। नहीं पता कौन है तू, नालायक हूं अभी तेरे हाथ काटने लगा दूंगा दोनों में। भी उल्लू बना रही हो, बोल रही है सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल। तू यहां आकर झूठ तो नहीं बोल सकेंगी? तू अगर झूठ बोल रही होंगी
तू खबीस रहेगी तो अपने आप को जिन्नात अगर बता रही तो पूरा जला के राख कर देंगे। इससे पहले भी हाजिर होकर क्या बोली थी वो? हाँ, हम हसीना हम अच्छा से देख रेख करते, जब देख रेख करते तो बीमारी कैसे हुआ? डबल ऑफ कैसे हुआ? कोई हावी नहीं हो सकता, हावी नहीं हो सकता। मखदूम के दरबार में गई थी, वहीं इसे हटा दिया। जब तक मैं साथ थी इसे कुछ नहीं हुआ, इसके परिवार को झूठ बोल रही है। इसके बीच में इतना बड़ा हादसा हो गया इसके घर में, अगर ये नहीं जाती वहाँ दरबार पे इसकी मौत हो जाती। इसके भाई वहां लेके गए थे। कब लेकर गए थे? 2 साल हो गए। झूठ बोल रहा, 100% झूठ बोल रहा। झूठ बोल रही थी? कौन है तू? सही से तेरा नाम बता। भाई को फोन लगा के पूछिए, अगर हम झूठ बोल रहे तो। हम बकरीद के टाइम में हम मखदूमपुर गए थे कि नहीं, अब पूछ करके देखिए। एक मिनट, इन लोग क्या जानेगी उस घर की हालात। मखदूमपुर तो गए थे उस वक्त, हम लोग कितने इस घर के लोग परेशान थे। हम भी गए साथ में। हम कहाँ थे? क्या गई है सो पूछिए इससे, कितने साल हो गए इसके गए हुए? अच्छा, ये दोबारे वहाँ गई हो गए हुआ 10 साल। और ये बच्ची 3 बार गई वहाँ, 4 बार गई है। अच्छा, 4 बार गई है। तब लास्ट में गए थे उस टाइम आप छोड़े थे या शुरू गए थे उस टाइम छोड़े थे? शादी में इतनी हालत खराब क्यों थी? इधर शादी और इतनी हालत खराब थे ना, इसकी मत पूछिए। ऑपरेशन जब हुआ था पहला ऑपरेशन पति में, उससे पहले आप छोड़े थे या उससे बाद छोड़े? इसे हम पहले ही छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे? यही चीज तो क्यों छोड़े थे? मखदूम के दरबार में ऑर्डर था, क्यों रहते हैं? कोई मखदूम कुछ नहीं होता है, खुदा के दरबार में कुछ नहीं होता है। हेलो, ये सब फालतू नहीं है। तुम्हारे को क्या लग रहा है? ये खबीस है, झूठ बोल रहा, जिन्नात है बोल के। क्योंकि आपके पास भी यही हाल था, लगभग 6 महीना से उमरा करके रखा हुआ था। जब जो आए तो लखनऊ से थे, जब लास्ट में पता चला कि वो खबीस है, जब वो पकड़े समझना सब कुछ कर रहे थे। आधार की जरा 2 फोटो लाने जो साथ में आ रहे हैं उनकी भी आधार की जरा 2 फोटो तुम्हारे भी आने में आता है। कोशिश कीजिए लेकिन मेरे को सवाल जो भी याद रहते जो भी पूछते हैं, मतलब तुम्हारे को जो है तो हाजिरी जो आ रही तो वो 100% आ रही नहीं है। तुम्हारे को दिमाग तुम्हारा काम कर रहा हूँ, उन्हें पकड़ के कंट्रोल कर रहा था। हाँ, सब उन्हें चला रहा। हाँ, यही चीज़ क्या क्या दास्तान करने वाला था, कितू को मारा और कितू को मारने वाला है अभी। जितना भी बोले सब सच बोले। हाँ बता, सही सही तो पूरा काट के भस्म कर देंगे। नहीं, हम जो बोल रहे सच बोल रहे। सही बता, झूठ नहीं बोल रहे। तो जिन्नात है कि तू खबीस है? नहीं, हम जो बोल रहे सच बोल रहे। आपसे हम सवाल कीजिए, अपने पड़ा पड़ जाते हैं। हेलो, जो भी सच जितना भी बयान दिया सब सच होती है। झगड़ लो उसको और तेज झगड़ो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। कितने साल से परेशान कर रहा था, कितने साल से उल्लू बना रहा था उन लोगों को अंदर बैठ गए? हम उल्लू नहीं बना रहे थे। हाँ, हम मखदूम के दरबार में ही छोड़ दिए थे। अब जो कुछ भी हुआ था सब इसको यहीं पे हुआ था। सब वही खत्म हो गया था। इसके पेट में बीमारी बना के घुसाया। अब पूछिए क्यों, कौन डाला सो? कौन कर रहा था वो? अभी भी लास्ट में कौन जादू चला रहा था अभी? सब इसके घर का खबीस। कौन? इसके घर का खबीस, गाड़ा हुआ खबीस। इन लोग किसके कहने पे जादू पे हमले कर रहा हो? खबीस किसके जादू की वजह से हमले कर रहा? इसका मकान मालिक का जादू है। और इसी बच्ची को परेशान करता है वो। और छोड़ दीजिए, झगड़ा उसको तेज से, छोड़ दीजिए। और छोड़ दीजिए, झगड़ा उसको और तेज से, छोड़ दीजिए हमको। बोल, मार के भस्म करूं क्या? क्या करूं तेरे साथ में? काट के टुकड़े कर दो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। करेंगा दोबारा परेशान? नहीं, बदलेंगा भेजा? भेस नहीं बदलते हम, कोई भेस नहीं बदलते हैं।
करेगा दोबारा आएगा परेशान करने को, उसके पेट में का बच्चा कुचा जादू जो भी होगा वो सब मैं निकाल के फेंक देता, तू मुझे दिखना नहीं दोबारा अंदर। चल तोबा तोबा कर जोर से, जोर से दोनों हाथ मुंह में मार के तोबा कर, जोर से कर तोबा तोबा, आवाज के साथ में सुने आना मुझे, जोर से, सुने नहीं आ रही आवाज तेरी, नहीं आ रहा सुने, जोर से और जोर से, जोर से, चल जा दोबारा दिखना नहीं मुझे नाला। ओए अफसाना भी पानी डालो, पानी डालो इसमें जल्दी, पानी पियो। कैमरा मैन ये जो है ये सुबह शाम दो टाइम उनके मुंह पे मारना पानी, बड़ा देना मार देना, दुआ का पानी है। और दूसरा वो जो है तो पानी इधर लाओ, बॉटल खोल के पकड़ो ये लो, और मुंह को लगाओ तुम्हारे कपड़ा, मुंह का कपड़ा कौन निकालो बोले तुम्हारे, कैमरे चालू इधर। और ये दुआ का पानी है, ये बढ़ाते रहना पिलाते रहना बढ़ाते रहना। और वो जो पानी है सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मारना, आंख पे छिनकना करना, और शक्कर में शक्कर मिला के पिला सकते हैं, और लोबान का धुआं देना सुबह शाम, ये लोबान और शक्कर। कहां से आए थे? बिहार। बिहार में कहां से? बोधिया। बोधिया क्या जिला है? टाउन है, ससुराल मुगल रोड टाउन है, टाउन है बिहार में। और तुम लोग कहां से? झारखंड। झारखंड, झारखंड में कहां से? रांची। रांची से, रांची उसका कैपिटल है क्या झारखंड का? हां जी। रांची में कहां रहते हैं? वहां से रहते हैं। वैसे तो हम भी झारखंड ही के हैं। अच्छा अच्छा, ये ससुराल हुआ हूं। अच्छा अच्छा, ये कौन है तुम्हारे? ये अच्छा चलो सब याद आ गया। और ये जो है तुम्हारे भी खैर कुछ आई थी शय इनके अंग में और आके उसके कुछ सवाल जवाब किया, तो जो भी है वो सब रिकॉर्डिंग में है। मगर ये ऐसे हरकतें नहीं करना एक दूसरों पे। और एक बात जहन नशीन कर लेना, जो जैसा करेंगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ला या रहमुल्लाह मल्ला या रहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। फिर तुम ऐसे हरकतें करेंगे एक दूसरे पे, जादू टोने करेंगे जरे जरे हसद जलन की वजह से, तो तुम शदीद दुनिया और आखिरत में दोनों भी जगह पे तुमको जब पकड़ में ले लिया जाएगा तो फिर तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं होगी। कहाँ जाके तौबा करेंगे? किसके सामने? अल्लाह सुनेगा ना तुम्हारे वास्ते? तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे ना तुम ऐसे हरकतें करेंगे। तो हदीस में क्या बोले, अल्लाह सुनो पढ़ो हदीस, कुरान का एक मामूल बनाओ घर के अंदर। तुम्हारे गाने याद हो जा रहे, पिक्चरा याद हो जा रहे, देखना मालूम ना तीन तीन घंटे की पिक्चरा देख रहे, कितने कितने मिनट के गाने याद हो जा रहे तुम्हारे, कि तुम्हारे दुआएं याद नहीं करने आता क्या? दुआ याद करो, दुआ मोमिन का हथियार है, चलने की खाने की पीने की हर चीज की दुआ। इधर मारो कैमरा, वो आया उसके भी आंग में, पकड़ो उसको भी झगड़ के रखो, नाल आया कुत्ते के साथ में, इधर मारो कैमरा, उधर भी कुछ तो भी है उसको भी झगड़ लिए। तो ये जो हरकतें ये से करेंगे एक दूसरे पे जादू टोने, तो ये बहुत बहुत बुरी बातें हैं, कोई बचने वाला नहीं है। तुमको पकड़ जब होंगे अल्लाह की तरफ से तो फिर कहाँ जाएंगे और किससे तुम माफी मांगे, किसको बोलेंगे? क्योंकि जादू शिर्क, शिर्क के मायने तो पढ़ो, शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को शिर्क बोलते हैं। तुम अगर ऐसे जादू टोने की ऐसे हरकतें करेंगे तो बहुत ही गलत गलत बात है, क्योंकि जो जादू करके पास जाता है वो हमें से नहीं है, जो जादू करता वो भी हमें से नहीं है, हमें से नहीं, हमें से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए पढ़ो हदीसें कुरान, तो तुम कैसा है दुनिया के अंदर अच्छा करोगे, अच्छे बनोगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा सुलूक होगा। दुनिया आईना है, हदीस के अंदर बता दिया कि दुनिया आईना है, आईना जो कांच होता है ना आईना, तुम आईने के अंदर देखो, तुम आईने के अंदर जैसा देखोगे, घूर के देखो उन्हें तुमको घूर के देखेंगे, चिड़ाओ उन्हें तुमको अंदर से चिड़ेगा, झुक के सलाम करो उन्हें तुम्हारे अंदर झुक के सलाम करेंगे, अदब से पेश आओ उन्हें अदब से पेशेगा, बेदबी से पेश आओ उन्हें बेदबी से पेशेंगे अंदर का। इसलिए दुनिया आईना है, जैसे तुम अच्छे आमाल रखोगे तुम्हारे साथ अच्छा सिलाऊंगा। बोलते ना क्या, बबूल बोएंगे तो फिर आम कहाँ से खाएंगे? फिर बबूल बोने के बाद में बबूल के कांटे निकलने वाले ना, तो इस वास्ते ऐसे हरकत नहीं करना। दुनिया आखिरत, दो मिनट जरा, दुनिया और आखिरत कभी तो वैसी हरकतें सब ये कभी नहीं करना, ऐसे दास्तान है ये सब, ऐसे हरकतें करने से बहुत गलत बातें हैं, किसी की जिंदगी तुम खराब कर रहे। तो
हाँ तुमको अगर कोई सता रहा तुम हक पे है तो दुआ और बद्दुआ करो। दुआ और बद्दुआ का ऐसा मामला है कि दुआ डायरेक्ट अर्श पे जाती है और बद्दुआ डायरेक्ट अर्श पे जाती, दुआ को तो भी जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, दुआ को जमीन आसमान के बीच में रोक दिया जाता अगर उसके साथ में दरूद शरीफ नहीं है तो, और दरूद शरीफ अगर पढ़ा जा रहा था तो दुआ सीधा फिर अर्श पे चले जाती, बद्दुआ को कोई नहीं रोक सकता, सीधा अर्श पे जाती। हक पे होंगे तो बद्दुआ कर, मगर वैसी बात है सबसे अहम कि सबको माफ करने वाला दिल बनाना अल्लाह ने, ऐसी दुआ करना क्योंकि कल्ब में तुम्हारे जब अल्लाह का नूर रहेगा, जब अल्लाह का जिक्र अस्कार भरे अल्लाह रहेगा, तुम ये सब बातों से परे रहेंगे, महफूज रहेंगे और तुम्हारी दुनिया आखिरत बन जाएगी। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, जिक्र अस्कार करना, जिक्र करो, कोई जिक्र का मामूल बनाओ पढ़ने का, दरूद शरीफ पढ़ो, जुम्मा के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद इब्राहिम पढ़ो, दरूद जो भी तुमको दरूद शरीफ आता वो दरूद शरीफ पढ़ो, कुरान पढ़ो, यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, मुजम्मिल पढ़ो, जो सूरा आता तुमको पढ़ने वो पढ़ो, ये सब चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी आखिरत भी सवर जाएगी। नहीं तो आखिरत का मामला तो तुमको मालूम है कि आखिरत में ऐसा भी आजाब होगा भयानक कि बयान नहीं कर सकते बयान। अगर तुम्हारा बता दिया जाता था कि खबर का आजाब कैसा है तो उसके डर से खबर के आजाब के डर से तुम मुर्दे जमीन में दफन करना ही छोड़ देते थे अगर तुमको बता दिया जाता था तो, आजाब कितना खतरनाक होता। इसलिए बेहतर है कि इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब बातों से महफूज रहेंगे। ठीक है, चलो अल्लाह कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे।